उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में कल शाम 300 के करीब यात्रियों की मौत हुई और 1000 के करीब यात्री जख्मी हुए हैं। यह हादसा कोरामंडल शालीमार एक्सप्रेस, बेंगलुरु हौरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच जोरदार एक्सीडेंट होने से पेश आया है। कल शाम हजारों लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे, कोई अपने घर तो कोई किसी टूर पर, तो कोई किसी अपने जरूरी काम से सफर पर निकला हुआ था। ट्रेन में बैठे लोगों में किसी ने यह सोचा नहीं था कि इतना खौफनाक हादसा पेश आएगा। बताया जा रहा है कि शाम 7 बजे के करीब कोरामंडल शालीमार एक्सप्रेस तेजी से मालगाड़ी को टकराने की वजह से ट्रेन की कुछ बोगियां आसपास के पटरियों पर बिखर गई और इतने में सामने से दूसरी पटरियों पर आ रही बेंगलुरु हौरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी इस हादसे का शिकार बन गई है। हादसा इतना खौफनाक था कि 300 के करीब यात्रियों की स्पॉट पर मौत हो गई और 1000 के करीब यात्री जख्मी हुए हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाई लेवल कमेटी तैयार कर इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करवाने का आदेश दिया है और साथ ही मरने वाले यात्रियों को 10 लाख और ज़्यादा जख्मी यात्रियों को 2 लाख और कम जख्मी यात्रियों को 50,000 रुपया कंपनसेशन देने का ऐलान हुआ है। इस हादसे के बाद 48 ट्रेन कैंसिल हुई हैं और 40 ट्रेन की रूट डाइवर्ट की गई है। This video presented by Raidan Multi Cuisine Restaurant. Variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, Grand Interior, Genuine Spices, Hygienic Kitchen, Address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarga. क्या नाम है इसका? शालीमार से चेन्नई। आप कहाँ पे ट्रेन पकड़े थे और कहाँ जाना? ये शालीमार से पकड़ा, ये चेन्नई जाएगा, चेन्नई से किरुल में जाएगा। जब ये हादसा हुआ आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? मैं सोया था उस टाइम, फिर ऑटोमेटिक मेरा नींद जाग गया, फिर देखा ज्यादा जोर से आवाज हुआ, फिर ट्रेन ऐसा जा रहा था तो एक वो जो फैन है ना ऊपर का, वो फैन पकड़ के मैं बैठा था, मेरा सीट ऊपर था, फिर बाद में ट्रेन रुका, उसका बाद हम लोग फिर नीचे आया। ट्रेन में सारे पैसेंजर्स कौन थे, क्या थे, क्या सिचुएशन था उस समय? उसी टाइम तो कितना आदमी इधर उधर भागता है, इसको बचाओ, वो मेरे को बचाओ, मेरे को थोड़ा मदद करो, ये तो सभी लोग बोलते रहते हैं, फिर किस किस को मदद करेगा। फिर हम लोग दोस्तों भी बोला, फिर उसको लेके फिर साइड भी किया, उसी टाइम कैंटीन में आग लग गया, फिर हम लोग उधर भाग गया, फिर ज्यादा आदमी उसमें उस टाइम में तो आदमी कोई भी नहीं था, फिर हम लोग ही था। बाद में ज्यादा लोग किसी का ए नहीं है, किसी का पाव नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, सब ऐसे पड़े हैं, सब लोग ऐसा तरपा तरपा के मांगे, क्या करें, पानी मांग कर रहे हैं। हम लोग S5 में था, वहाँ पे एक रेस्क्यू किया गया या आप लोग खुद से निकले, क्या सिचुएशन था उस समय? नहीं, हम लोग खुद निकला उस टाइम, उसमें उस टाइम कोई भी नहीं था, हम लोग की सब पब्लिक जो बस में पैसेंजर ही था, बाकी लोग उसमें कोई नहीं था, जो बाहर निकला वही एक दूसरे से मदद करते रहे। उस समय का सिचुएशन काफी बहुत भयानक था, हम लोग भी घबरा गए उस टाइम, क्या करेगा, मेरा तो मोबाइल भी नहीं, किस किस को बचा है, हमारा उस टाइम बुद्धि भी काम नहीं कर रहा, क्या करूँ, किधर जाऊँ, किसको बचाऊँ, किसके पकड़ू, यही आता है। बहुत दो साल का बच्चा था, 3 साल का बच्चा था, सबसे अच्छा बात है हमारा नीचे एक छोटा बच्चा था 2 साल का, उसका कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम लोग उसको फैमिली को फिर बाहर निकाला, फिर गए वो लोग खुशी से, फिर वो लोग का गया होगा घर। अभी आप लोग यहाँ पे बालेश्वर जिले में ठहरे हुए, यहाँ से आगे का क्या प्लान है? आगे के प्लान किसी ने बताया, जो इधर कैंप में आओ, फिर उधर जाके हम लोग को सुबह का हम लोग को घर भेजेगा, हम लोग को घर वालों से बातचीत, हाँ बातचीत हुई है, घर वालों से पूरा बातचीत हुआ है। अभी आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो थोड़ा खुशी नहीं है, अभी तो खुशी का माहौल तो है नहीं, ऐसा हो गया था ना कैसा, अभी सबके दिल में तो दुख ही है। ये हम सुबिनय मिस्त्री है, मैं कलकत्ता से आया हूँ, नोएडा डिस्ट्रिक्ट। हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे के पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को? वो ज्यादा आवाज हो रहा था, हम लोग बाद में वो
ट्रेन पकड़ाया था, बाद में हम लोग नवा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। हम लोग 8 आदमी था, चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहे थे। हम लोग अभी घर में जाएगा, ऐसा है। हाँ, जानकारी है, हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। अचानक ऐसा हो गया। और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ से कुछ उन्होंने गवाया है। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, उनके परिजनों के दुख में उनके साथ है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है, हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं, और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। मैं उड़ीसा सरकार का भी, यहां के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया, मैं यहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था बनने करने का प्रयास किया है। खास करके इस क्षेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की है। मैं इस क्षेत्र के नागरिकों का भी आदरपूर्वक नमन करता हूं कि उनके सहयोग के कारण ऑपरेशन को तेज गति से आगे बढ़ा पाए। रेलवे ने अपनी पूरी शक्ति, पूरी व्यवस्थाएं रेस्क्यू ऑपरेशन में, आगे रिलीफ के लिए, और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो, यातायात का काम तेज गति से फिर से आए, इन तीनों दृष्टि से सुविचारित रूप से प्रयास आगे बढ़ाया है। लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज स्थान पर जाकर के सारी चीजों को देख करके आया हूं। अस्पताल में भी जो घायल नागरिक थे उनसे मैंने बात की है। मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रकट करने के लिए, लेकिन परमात्मा हम सबको शक्ति दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले। मुझे पूरा विश्वास है